हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं फन बस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि इंसान क्या बनाया हुआ सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन कौन सा है, तो आपका जवाब पक्का एटॉम बॉम्ब ही होगा। एटॉम बॉम्ब्स बहुत ही डेंजरस वेपन्स होते हैं, जिनका यूज़ वॉरफेयर हिस्ट्री में सिर्फ दो बार ही हुआ है, और दोनों ही बार इसका यूज़ यूएसए ने किया जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, और इसके बाद इसका यूज़ कभी नहीं हुआ। इसके यूज़ के बाद एटॉम बॉम्ब को बनाने वाले साइंटिस्ट को काफ़ी दुख हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, तो साइंटिस्ट ने ऐसा वेपन बनाया है क्यों जिसको बनाने के बाद उनको पछताना पड़ा। उस समय यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के समय पूरी वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक्सिस पावर और एलाइड पावर। एक्सिस पावर में थे जर्मनी, जापान, हंगरी जैसे कई देश, और एलाइड पावर में थे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश। उस तनाव के माहौल में यूएस के ऑफिशियल्स को एक उड़ती हुई खबर सुनाई दी कि जर्मनी के साइंटिस्ट एटॉम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाते, उसका अंजाम बहुत विध्वंसक होता। हिटलर के राज में जर्मनी की सेना कुछ भी कर सकती थी। 2 अगस्त 1939 में हिटलर के पोलैंड पे हमला करने से पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एटॉमिक बॉम्ब को बनाना संभव है और शायद जर्मन्स एक एटॉम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें अपने लिए भी एक एटॉम बॉम्ब तैयार कर लेना चाहिए। फिर क्या था, जर्मनी और अलाइड पावर के साइंटिस्ट के बीच एक रेस लग गई। सारे साइंटिस्ट लग गए अपनी कंट्री को रेस में जिताने के लिए। 5 सालों की जद्दोजहद के बाद 16 जुलाई 1945 में न्यू ट्रिनिटी मैक्सिको में एलाइड पावर ने पहला एटॉम बॉम्ब टेस्ट किया और ये रेस जर्मनी से जीत ली। हिटलर की मौत के बाद एक्सिस पावर में सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बचा था जापान। यूएसए ने डिसाइड किया कि जापान को जीतना और वर्ल्ड वॉर को जल्दी ख़त्म करना उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने तय किया कि वो एटॉम बॉम्ब का यूज़ करेंगे। यूएसए ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने जापान के शहरों की डिटेल निकाली और हिरोशिमा को सिलेक्ट किया एटॉम बॉम्ब की बॉम्बिंग के लिए। 6 अगस्त 1945 में यूएसए आर्मी एयरफोर्स ने यूरेनियम गन टाइप फिशन बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा दिया, जिसका निकनेम रखा गया लिटिल बॉय। इस बॉम्बिंग के सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को प्लूटोनियम इम्पल्शन टाइप बॉम्ब नागासाकी में गिरा दिया गया। असल में ये बॉम्ब कोकुरा में गिराना जाना चाहिए था, लेकिन मौसम के ख़राब होने के कारण इसे नागासाकी में ही गिराना पड़ा। इसका निकनेम फैट मैन रखा गया था। इसमें 20 लाख से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें आई थी और अनगिनत लोग ज़ख्मी हो गए थे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जंग में कोई जीतता नहीं है, दोनों ही तरफ के लोग हर सूरत में हारते ही हैं। प्लीज़ दुआ कीजिए आगे कभी हमें ऐसी कोई बॉम्बिंग्स देखने को ना मिले। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद।